तुमजांग वैली तक पहुंचने के लिए हम लोगों ने सिलचर से माहौर तक का ट्रेन पकड़ा, जो कि डिपार्ट होता है सुबह 8 बजे। चार से पांच घंटे ट्रेन में सफर के बाद हम लोग पहुंच गए माहौर रेलवे स्टेशन। माहौर से खाना खाकर हम लोग ऑटो से निकल पड़े पेलेकुल विलेज के लिए। ऑटो से लगभग 40 मिनट के सफर के बाद हम लोग पहुंच गए पेलेकुल विलेज। यहां से हमें पैदल चलना था ऊपर तुमजांग वैली की ओर। लगभग 2 बजे हम लोगों ने तुमजांग विलेज के ओर चलना शुरू किया, क्योंकि वहां से कोई व्हीकल ऊपर नहीं पहुंचता है। दो ढाई घंटे बीत गए लेकिन अभी तक हम लोग नहीं पहुंच रहे थे तुमजांग विलेज तक। तो बहुत ही टायर्ड हो चुके और हम लोग थोड़े से मस्ती मजाक करते हुए चलते रहे फिर भी अपनी मंजिल की ओर। यहाँ पर चलते चलते हमें बाइक का साउंड सुनाई दे रहा है। लगता है ऊपर कोई गैरेज है या फिर कोई मौत के कुएं के अंदर बाइक रेस हो रहा होगा। ऊपर जाके देखते हैं कितना बड़ा मौत का कुआ है। लगभग 4-4:30 बजे हम लोग पहुंचे विलेज का पहला गेट तक। होरी से फोटोशूट के बाद और इस वैली पर शायद एक ही दुकान है जिससे हम लोगों ने खरीदा एक रेड बॉल और चार्ज अप हुए और फिर से चलते परे अपने मंजिल की ओर, मतलब तुमजांग विलेज की ओर। ऊपर खाने पीने का सामान बहुत ही कम था, इसलिए हम लोगों ने नीचे से ही खाने और पीने का सामान कैरी करके ऊपर चल पड़े थे, जो हमारे चलने का स्पीड को और भी स्लो कर दिया था। और जंगल में चलना बहुत ही खतरनाक था और रास्ते भी कुछ खास अच्छे नहीं थे, तो चलना बहुत ही मुश्किल हो रहा था हमारे लिए और बहुत ज़्यादा टाइम बीत चुका था, लेकिन क्या करें, चलना तो पड़ेगा ही। बहुत ही खतरनाक चढ़ाई के बाद हम लोग पहुंच गए एक ऐसी जगह जहाँ से हमें दिखाई दे रहा है वो वाला पिक, तो आप लोग भी देखिए। बहुत सारे खूबसूरत वादियों के नज़ारे देखते हुए और जंगल्स के बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ को एंजॉय करते हुए हम लोग फाइनली पहुंच गए तुमजांग विलेज तक। ये बहुत ही पुराना विलेज है जो 1930 को एस्टेब्लिश हुआ है। वुड और बेम्बो से बनाया हुआ ये सब घर बहुत ही खूबसूरत है देखने में, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो यहाँ पर सोलर पैनल यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। और यहाँ पर हर एक घर के अंदर आग चलता रहता है ताकि घर गर्म रहे, क्योंकि यहाँ पर 12 महीना ही ठंडा रहता है वेदर। कम हो चुका था और हम लोगों को जाना था शेइकल पीक, जो तुमजांग विलेज से लगभग 1 घंटे की दूरी पर है। तो सेफ नहीं था रात में, तो हम लोगों ने सनसेट का कुछ शॉट्स लेने के लिए अपना ड्रोन छोड़ दिया और बहुत ही खूबसूरत शॉट्स आए उस वक्त। धीरे दिन ढल चुका था, अंधेरा हो चुका था, तो इन लोगों ने हमें चाय पे बुलाया। चाय पीते पीते हम लोग इनके साथ गॉसिप करने लगे इनके लाइफस्टाइल के बारे में जानने के लिए। तो यहाँ से हमें पता चला कि बहुत ही हार्ड है यहाँ पर इनकम करना। ये लोग यहाँ पर जितने भी वेजिटेबल्स उगते हैं वो नीचे जाके सेल करते हैं। पढ़ाई करना बहुत ही टफ है यहाँ पर। इस विलेज से बच्चे लोग पढ़ने जाते हैं दूर हाफ लॉन्ग तक,
वहाँ पर ही पढ़ाई करते हैं कॉलेज और स्कूल्स में। तो ये क्या आप लोग उगाते हो या फॉरेस्ट से ले आते हो? नहीं नहीं, हम लोग उगा के जाते हैं। पूरा प्याज की तरह है। रात का जो नजारा था वो बहुत ही खूबसूरत था। 6-7 किलोमीटर चढ़ाई करके आके इस स्टैंड पे बैठे हुए हैं। बहुत ठंडी है। मेरा दिल पहाड़ों में गया। सवेरे उठते हम लोगों ने अपना ड्रोन छोड़ दिया विलेज का खूबसूरत शॉट्स लेने के लिए। पाँच बजे उठने के बाद हम लोग फ्रेशन अप हुए और निकल पड़े साइकिल पीक की ओर। देखते ही देखते हम लोग पहुंच गए साइकिल पीक तक। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखकर हमारा दिल गार्डन गार्डन हो गया और हम लोग बहुत सारे ड्रोन और फोटोशॉट्स लेने लगे। जानकारी के लिए बता दूं, सी लेवल से 1860 मीटर ऊपर मौजूद है साइकिल पीक। असम का थर्ड हाईएस्ट पीक है जो बोराइल रेंज पर मौजूद है और ये पूरा रेंज मौजूद है डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में। ऐसे तो यहाँ पर बादल छाया रहता है जो बहुत ही खूबसूरत और प्लेजेंट एक व्यू देता है, लेकिन हम लोग अनलकी है शायद जो हमें ये व्यू नहीं दिखने को मिला। पोर्टेबल चूल्हे पर 2 मिनट पे मैगी बनाकर खाना खाने के बाद हम लोग निकल पड़े पेलेकोल विलेज की ओर। और इस बार हम लोगों ने पकड़ा एक शॉर्टकट जो कि बहुत ही खतरनाक था, क्योंकि खरा ढलान से हमें नीचे उतरना था। को मरने से बचाते बचाते हम लोग लगभग 1 आवर के ट्रैकिंग के बाद एक अच्छे रास्ते पे उतरे और यहाँ से हम लोग
वापस लौटते चले। Thank you.